माहौल ऐसा है कि उनका व्यू इस समय बहुत वैल्यूबल है हमारे व्यूअर्स के लिए। अरविंद सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद सिंह यहाँ भारत से, थैंक यू वेरी मच शॉर्ट नोटिस में हमसे बात करने के लिए। ये बताएं कि आपके बैकयार्ड में ये क्या उथल पुथल चल रही है, पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ है, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो को, कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो ये आप सोचिए कि 35 साल तक जब भी ये एक कहलाता था फेड पुट 87 के क्रैश से, और अभी 35 साल तक जब भी मार्केट गिरा है तो फेड ने इमीडिएटली हेल्प करने के लिए हमेशा रेट्स कट किए हैं। ये पहली बार है कि फेड उल्टा काम कर रहा है 35 साल में, कि अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कितना गिरे, उसको सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस है, और बल्कि ये चाहता है फेड के मार्केट भी गिरे और चीजें भी थोड़ी धीमी हो, इकोनॉमी धीमी हो, जिससे कि इन्फ्लेशन पे पूरा प्रभाव पड़े। तो इसलिए इस टाइम जब तक कि इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता मार्केट्स का भरना बहुत मुश्किल है, और बाकी करेंसीज का जो प्रेशर रहा है वो थोड़ा सा अभी ज्यादा एक्सट्रीम पे आ गया, लेकिन इंडियन रुपी पे अभी हो सकता है कि और रिस्क आए। डिपेंड करता है इंडिया का इन्फ्लेशन क्या करेगा, क्योंकि अगर रुपी वीकन हुआ तो इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ये सब रिस्क देख रहा हूं मैं। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट कल की जो कमेंट्री आई है लोरेटा मास्टर से, वो यही कह रही कि मंदी आए तो भी हम रेट नहीं कट करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। इससे बाजार को बहुत डर लग गया है। मैं आपसे इसी बात पे बात करता हूँ। अक्टूबर 13th जब लेटेस्ट यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, इनफैक्ट आज इन्फ्लेशन का कोर डेटा भी आएगा, आपको क्या चांसेस नजर आ रहे हैं जिससे आपसे एनर्जी प्राइसेस टर्न हो गए, रेंट्स जो शेल्टर है वो भी टर्न हो रहा है, साइंस दिख रहे हैं? क्या आपको एक दो रीडिंग में आगे नजर आता है कि इन्फ्लेशन घुमा है यूएस का, या अभी कह नहीं सकते सर्टेनिटी के साथ, क्योंकि सारे बाजार का डायरेक्शन वहीं से निकलेगा? इन्फ्लेशन नीचे तो आएगा, लेकिन कितनी तेजी से नीचे आएगा ये सवाल है। तो इन्फ्लेशन अगर बहुत कम नीचे आया तो फिर फेड को ये लगेगा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो मार्केट में इमीडिएटली ये आ जाएगा कि बस अब सब प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो गई, सब तकलीफें हट गई, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक इन्फ्लेशन इस कारण कम आए कि क्योंकि कुछ कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई, इतना इनफ नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से फेड को एक से ज्यादा चीज चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि इन्फ्लेशन पूरी तरह से काबू में आ गया, क्योंकि उनका गोल है 2%। अब वो 2 का 2.5 भी ले लें, 2.75 भी मान लें, लेकिन अभी के लेवल से और 2.5-2.75 में बहुत फर्क है, तो उसमें कितना तेजी से नीचे आता है ये भी डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट मीटिंग में 50 या 75 basis points तो मोर लेस अश्योर्ड है, तो वो ये हो सकता है कि नेक्स्ट डेटा पॉइंट से वो 50 चला जाए 75 की तरह के बजाय, लेकिन वो सब देखने में अभी टाइम लगेगा। इस बीच में मार्केट्स तो मेरे ख्याल से ऊपर नीचे ही रेंज बाउंड रहेंगे, जिसको कहते हैं, क्योंकि ज्यादा भरना अभी इस टाइम मेरे ख्याल से जब तक कि इन्फ्लेशन का क्लियर पिक्चर नहीं आ जाता बहुत मुश्किल है। करें तो पिछले 10-15-20 सालों में इंडियन आईटी कंपनीज ने, इंडियन फार्मा कंपनीज में एक बहुत बड़ा नाम कमाया अपना दूसरी देशों के वनस्पत। आगे आने वाले कुछ सालों में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या सेक्टर्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे कंपेरेटिव और ग्लोबल लेवल पे माने जाएंगे? हमारे यहाँ से एक दो कंपनी हैं जो रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप अभी टॉप में आ गए हैं, लेकिन और कुछ सेक्टर्स की बात करें, मुझे याद आ रहा है कुछ महीनों पहले आपने यहीं हमारे शो पे एक लेजेंडरी कमेंट दिया था जो फिर टॉक ऑफ द टाउन हो गया कि आगे आने वाले सेक्टर्स में इंडियन केमिकल स्पेस से अगले अजीम प्रेम जी और नारायण मूर्ति बनेंगे। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हर जगह पूरे इंडस्ट्री में उससे बातचीत होने लगी थी। कुछ और ऐसे सेक्टर्स जो अभी मिड साइज्ड हो या इवन स्मॉल हो, बट आपको लगता है कि आगे आने वाले सालों में बहुत बड़ा हिस्सा अपना बना सकते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से? सो अपार्ट फ्रॉम केमिकल सेक्टर अजय भाई, मुझे लगता है कि अब मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन रेनेसेंस आ सकता है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल कुछ क्षेत्र में भारतीय कंपनीज अब कॉम्पिटिटिव बन रही है। एक, उन्हें लोकल मार्केट से ऑर्डर मिल रहे हैं, ऊपर से चाइना प्लस वन की वजह से एक्सपोर्ट मार्केट से ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे जैसे उनके पास वॉल्यूम बढ़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रही है।
और इसके साथ साथ रुपये का जो डिप्रिशिएशन हुआ है वह भी इन कंपनीज के लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरी चीज, इस क्षेत्र में हमारी डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है जितने होने चाहिए, बट कुछ क्षेत्र में हम काफी कॉम्पिटिटिव हैं। आईटी, फार्मा और केमिकल की स्टोरी तो बहुत लोगों को मालूम है, बट अब कुछ हद तक उसी प्रकार की स्टोरी इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट जैसे क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। एक ही इसमें अजय भाई और कहना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बॉटम अप है। आपको उस प्रमोटर, उस कंपनी में निवेश करना होगा जिन्होंने फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी किया है, चाहे डिजाइन कैपेसिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस हो, चाहे रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स हो। ये सारी चीजों में जिस कंपनी ने अच्छा कार्य किया है उसी को इस मैन्युफैक्चरिंग रेनेसेंस का फायदा मिलेगा। कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे अचीव, ये सब टारगेट्स जो आपने बताए हैं वो अचीव करना भी बहुत जायगेंटिक टास्क है। जी हाँ, माहौल का फ़ायदा मिल रहा है देश को और स्मार्ट कॉर्पोरेट्स इन सारी बातों का ध्यान भी रख रहे हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ कुछ और देशों से कॉम्पिटिशन, कुछ बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएं या स्लो डाउन एग्जीक्यूशन में, कौन से ऐसे चैलेंजेस को देश के बड़े स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा वाकई में हमें $5 ट्रिलियन, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ये जो रहा है, जो रोड मैप आपने बात की, उसे वाकई में अचीव करने के लिए? एक चीज अजय भाई, रूल ऑफ लॉ है। कैपिटल हमेशा वहां पे आता है जहां पे कानून का राज हो। आज हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ओवर बर्डन है, यहाँ पे डिसीजन आने में, सेटलमेंट होने में काफी समय लग सकता है। कैसे हम अपने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके, कैसे हम अपने कमर्शियल डिस्प्यूट्स को आसानी से सेटल कर सके और रूल ऑफ लॉ वाकई ऑन ग्राउंड ला सके, वह निवेशकों के लिए बहुत जरूरी होगा। दूसरा चीज अजय भाई, जियोपॉलिटिकल रिस्क है। एक समय था जब दुनिया ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई थी तो हम उससे सस्ता ऑयल खरीद नहीं सके थे। आज की तारीख में दुनिया ने रशिया पे सैंक्शन लगाई और हमने रशिया से ऑयल उसी तरह खरीदा जैसे चाइना या यूरोप खरीद रहे थे। अगर हम इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो हायर एनर्जी हमारी कमर को तोड़ देता। तो कैसे हम ये जियोपॉलिटिकल रणभूमि में अपने आप को नेविगेट करें और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ये बहुत बड़ी चैलेंज होगी भारत के लिए। और जैसे हमने रशिया से ऑयल सस्ते दाम पे खरीदा ताकि हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, वैसा ही हर बार करना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर हमें ग्रो होना है तो टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से हम पब्लिक असेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था, 100,000 टन जिंक बनाता था और लॉस करता था। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ गया, आज प्रोडक्शन तकरीबन 1.5 मिलियन टन से ज्यादा है और प्रॉफिट कर रहा है। इस तरह से अगर हम सारी पब्लिक असेट्स का यूटिलाइजेशन बढ़ा सके तो देश का भी फायदा होगा। ये डिसीजन लेने की हमारे पास एज अ कंट्री गुंजाइश होनी चाहिए। तो अगर ये तीन चीज हम कर ले, टफ डिसीजंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, रूल ऑफ लॉ एंड नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल रणभूमि टू बेनिफिट इंडियाज इंटरेस्ट, ये तीन चीजें अगर हमने अचीव कर ली तो मेरे हिसाब से कोई हमें रोक नहीं सकता टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जी हाँ नीरज भाई, इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की जो आपने बात कही है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर बहुत ही शानदार काम कर ही रहे हैं। उनके कमेंट्स और उनके फैंस तो देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, हम सब ने देखा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।